एक्शन में आते ही तेजी, टूट पड़ी पुलिस। श्रीकांत उर्फ लंगड़ा त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम, और त्यागी 25,000 का इनाम यहां घोषित किया गया है। बड़ी खबर। और इस बीच गृह विभाग त्यागी का केस मॉनिटर कर रहा है। एसटीएफ की कई टीमें झोंक दी गई हैं। गृह विभाग ने पश्चिम के कई जिलों में अलर्ट कर दिया और श्रीकांत उर्फ लंगड़ा त्यागी को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। और यूपी में त्यागी का आरोपों का साम्राज्य है, लेकिन वो साम्राज्य ढहता हुआ नजर आ रहा है। फ्लैट, दुकान, मकान और मार्केट सब कुछ अवैध है और उस पर अब अवैध संपत्तियों पर चल रहा है बुलडोजर। त्यागी के पास 6 लग्जरी गाड़ियां हैं। यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में कई अवैध कारोबार, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेटवर्क कितना बड़ा है। नोएडा के भंगेल में पूरी अवैध मार्केट है और त्यागी को नोएडा अथॉरिटी का संरक्षण था। बताया जा रहा है कि ये सब अवैध जो दुकानें, संपत्ति, मकान, इन सब में नोएडा अथॉरिटी का संरक्षण था और नोएडा के बड़े पुलिस अफसर त्यागी की जेब में थे, बताया जा रहा है। तो एसटीएफ की कई टीमें फिलहाल झोंक दी गई हैं। एक्शन में अब गृह विभाग, लगना त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। गृह विभाग ने कार्रवाई की कमान पूरी तरीके से संभाली है। तो अवनीश अवस्थी ने कार्रवाई की कमान खुद अब अपने हाथों में ली है। तो एसटीएफ की कई टीमें फिलहाल लगी हुई है और इस बीच नोएडा के बड़े पुलिस अफसर त्यागी की जेब में थे। हालांकि बड़ी कार्रवाई ये है, बड़ी बात यह है कि लगातार अवैध संपत्तियों पर जो है बुलडोजर वो चल रहा है, लेकिन अभी भी वहां के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि वो अभी भी खुश नहीं है। वो खुश तब होंगे जब लंगड़ा त्यागी की गिरफ्तारी होगी। हालांकि गिरफ्तारी के लिए लगातार पूरी तरीके से पुलिस अफसर लगे हुए हैं के, और इस बीच इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे सुराग मिल रहे हैं जिनके आधार पर फिलहाल उसी आधार पर जो है वो जांच पुलिस की जारी है, ढूंढने की कवायद लगातार जारी है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दिखा रहे हैं। हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता दानिश सुबह से ही जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे लखनऊ से संवाददाता अनूप भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले दानिश की ओर रुख करेंगे। दानिश, इस तरीके से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरीके से अब अपनी ताकत झोंक रही है, और अभी तक क्या कुछ सफलता मिल पाई है, क्या कुछ चीजें आ पाई, लेटेस्ट अपडेट अभी का क्या है? दानिश से हम संपर्क साधेंगे। इस बीच लगातार बता रहे हैं जी, वहां पहुंच गई है जहां पर धर्मकांटा है श्रीकांत त्यागी का। वहां पर दुकानें, जो अवैध दुकानें जिसकी जिक्र भारत समाचार कर रहा था, वहां पर जीएसटी की जो छापेमारी है वो शुरू हो गई है। हालांकि नोएडा विकास प्राधिकरण अभी वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन वहां जीएसटी की टीम पहुंच गई है। दुकानों में जो लेन देन या फिर जो धर्मकांटा पर लेन देन होता है उसकी जांच में जीएसटी की टीम जुट गई है। तो वही साथ ही नोएडा कमिश्नरेट की तरफ से नोएडा कमिश्नर ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है श्रीकांत त्यागी के ऊपर। जिस तरीके से अपराधी काट रहा है उसके ऊपर 25,000 का इनाम, यानी ये कहें कि 25,000 का इनामी अपराधी इस वक्त श्रीकांत त्यागी बन चुका है। तो अब ये दो अहम अपडेट हैं। लगातार जो श्रीकांत त्यागी पर कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है, और ये कार्यवाही तब शुरू हुई है जब शासन स्तर से इसके ऊपर एक्शन होना शुरू हुआ है। चौतरफा घेरने की तैयारी है। बताया ये भी जा रहा है कि जैसे जीएसटी की टीम पहुंची है अभी यहाँ पर, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नोएडा विकास प्राधिकरण की भी टीम पहुंच सकती है। थोड़ी देर पहले डीएम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि हम उसकी प्रॉपर्टी खंगाल रहे हैं। डीएम तो प्रॉपर्टी नहीं खंगाल पाए, लेकिन हाँ जीएसटी ने जरूर पता ढूंढ लिया और जीएसटी यहाँ मौके पर पहुंच गई। जीएसटी से पहले भारत समाचार इन दुकानों तक पहुंचा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि श्रीकांत त्यागी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, एसटीएफ की कई टीमें झोंक दी गई हैं और एक्शन में अब गृह विभाग भी नजर आ रहा है पूरी तरीके से। अब अवनीश अवस्थी, एसीएस होम ने कमान संभाल ली है। अनूप, देखिए बिल्कुल, ये श्रीकांत त्यागी मामले में कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है ये भी देखने को मिला है कि पुलिस का जो है संरक्षण जो है उसको पूरी तरह से जो है मिलता रहा है, लिया जा
यही वजह है कि जब घटना हुई है उसके बाद भी तत्काल जो है इसमें पूरा एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब मामला जो है मीडिया में तूल पकड़ा है उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और अब कार्रवाई का दौर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि खुद गृह विभाग की तरफ से जो है, यानी उत्तर प्रदेश का जो गृह विभाग है जिसके एसीएस होम अविनाश अवस्थी हैं, वो खुद जो है लोक भवन में बैठ करके पूरी मॉनिटरिंग इस पूरे मामले की कर रहे हैं। सीधे तौर पर सरकार जो है इस पूरे मामले में सख्त हुई है, उसके बाद अब जो है जो त्यागी है उसके ऊपर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आईटी और जीएसटी जो है वो भी जांचें शुरू हो गई हैं, जो तमाम उसके फ्लैट्स हैं, बेनामी जो संपत्तियां हैं, उसकी जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई जो है लगातार अब शुरू हो गई है और ये लगातार जो है टीमें जो है दबिश दे रही है। इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है, जो यूपी एसटीएफ है वो भी इसमें काम कर रही है। कई टीमें लगातार जो है इसकी तलाश कर रही हैं कि आखिर श्रीकांत त्यागी यानी लंगड़ा त्यागी जो है आखिर कहाँ है। हालांकि उसकी जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश से दिल्ली और इसके अलावा उत्तराखंड, तीन जगह बताया जा रहा है कि वहाँ पर लगातार जो पुलिस की टीमें हैं, एसटीएफ की टीमें हैं, वो दबिश दे रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द जो है उसको गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा नोएडा पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम जो है वो भी घोषित कर दिया गया है। तो वो लगातार जो शिकंजा है वो अब त्यागी पर जो है कसता जा रहा है और जाहिर सी बात है इसका असर यही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार इस पूरे मामले में जो है सख्त नजर आई है, खुद गृह विभाग जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है, एसीएस होम अवनीश अवस्थी जो है खुद पूरा पूरे मामले की पूरी जांच की पूरी कार्रवाई का लगातार जो है पल दो पल जो है वो फीडबैक ले रहे हैं, यानी एक एक मोमेंट पर जो वो नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि लगातार बिल्कुल अनुपम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ दानिश लगातार बने हुए हैं और इसी बीच हमारे साथ लोकेश राय भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लोकेश, मैं चाहूंगा कि फिलहाल आप बताएं कि इस मामले में एक तरफ गिरफ्तारी को लेकर के इनाम घोषित कर दिया गया लंगड़ा त्यागी पर 25,000 के नाम, एक्शन में गृह विभाग ने भी कार्रवाई की कमान संभाली, अभी क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, क्या कुछ मिल पा रही जानकारी? अब मैं नॉन एंट्री करूँ, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पहले। देखिए अनूप, इस वक्त हम श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर खड़े हैं और जो ये इनका पुराना भंगेल में आवास है इसके बाहर तमाम मीडिया और आसपास के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। न केवल इस घर बल्कि आसपास जो कि करीब 1 से 1.5 बीघे के बीच में तमाम दुकानें बनी हुई हैं, जो यहाँ पर इनका जो धर्म कांटा बना हुआ है इसकी जांच करने के लिए थोड़ी देर पहले ही स्टेट जीएसटी की टीम पहुंची थी और स्टेट जीएसटी की टीम ने अब अपनी छानबीन करनी शुरू कर दी है। वजह यह है कि पिछले लंबे समय से दिल्ली जो दादरी मेन रोड है उस पर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये कांटा बंद है, लेकिन कांटा बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या उसकी जीएसटी फाइल होती थी या नहीं, क्या उसका यहाँ पर जो तमाम तरीके जो कंप्लायंसेस होते हैं जीएसटी के वो कराए जा रहे थे कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दूसरा अपडेट यह है कि श्रीकांत त्यागी सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, इसकी आशंका को देखते हुए नोएडा पुलिस ने वहां पर अपनी चौकसी बढ़ाई है, आने जाने वाले हर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो सरेंडर कर सकता है और पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि 25,000 का इनाम उसके खिलाफ घोषित किया जा चुका है। तमाम तरीके की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, उत्तराखंड के अंदर उसकी लोकेशन पाई गई है जो कि लगातार चेंज हो रही है, कभी फोन ऑन होता है उसकी लोकेशन लगातार चेंज हो रही है, तो टीम अलग से लगी हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो फौरी तौर पर राहत पाने के लिए कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, इसीलिए वो यहाँ पर सूरजपुर कोर्ट में तमाम जो है वो जो सुरक्षा है वो काफी पुख्ता की गई है ताकि वो सरेंडर कर ना पाए, पुलिस इस फिराक में है। दूसरी तरफ जो इसकी यहाँ पर संपत्तियां हैं, बताया जा रहा है कि इसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसके दादा भाई संपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद भी वो संपत्तियां यहाँ पर जो दुकानें हैं अगर हम दिखाएंगे तो वो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है। आखिर लाल डोरे से के एरिया में ये कंस्ट्रक्शन की गई तो प्राधिकरण की अब तक निगाह क्यों नहीं गई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि फिलहाल जो ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार में पिछली सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ उनके इसके संबंध बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर इनके परिवार के नजदीकी लोग हैं वो अब बता रहे हैं कि पिछले लंबे समय से चाहे वो बीएसपी में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों या फिर बीजेपी में, ये उनके काफी नजदीक रहा है, तो उसी का फायदा उठाकर तमाम गनर और 10 से 11 गनर लिए गए थे, एक आडंबर रचा गया था और उसी के जरिए नित नए काम तलाशे जाया करते थे, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन जब ये ओमेक्स सोसाइटी का मामला सामने आया इसके बाद इसके उल्टे दिन शुरू हुए हैं और तमाम अब इसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं, और जिस तरीके से कल
जो कुछ गुर्गों को वहां पर भेजा गया जो कि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पकड़े गए थे, उन लोगों के भी तार जो है वो सीधे तौर पर युवा मोर्चा से जुड़े हैं भाजपा के, और वो गाजियाबाद के भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य हैं, कार्यकारी समिति के सदस्य हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि एहतियात बरती जा रही है, तमाम बातों का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल जो घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा है, यहाँ पर एजेंसीज, ये माना जा रहा है कि प्राधिकरण जो है नोएडा प्राधिकरण, वो थोड़ी बहुत देर में पहुंचकर इन दुकानों के नियमितीकरण की भी जांच कर सकता है, और अगर जो बुलडोजर आज सुबह उसके आवास के बाहर चले हैं अतिक्रमण पर, उस तरीके का बुलडोजर की कार्रवाई कुछ यहाँ भी देखी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, लोकेश हमारे साथ लगातार जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लोकेश हमारे संवाददाता भंगेल से जुड़े हुए हैं जहां पर अवैध संपत्तियां हैं, और लोकेश से हम कुछ और भी सवालों के जवाब जानेंगे कि जीएसटी की टीम पहुंची हुई है, उससे क्या कुछ चीजें निकल करके आई हैं, और बड़ी बात है कि प्राधिकरण की नजर अब तक क्यों नहीं गई, कुछ ऐसे सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे लोकेश से। लेकिन उससे पहले दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं, दानिश क्यों रुक करेंगे। दानिश, जिस तरीके से लगातार अब इनाम भी घोषित हो चुका है और यूपी सरकार भी पूरी तरीके से अटेंटिव है और अब बहुत जल्दी सरेंडर कर सकता है, इस तरीके की कुछ खबरें भी आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी लोकेश ने बताया कि हाँ अब श्रीकांत त्यागी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस तरीके से इसने गार्ड और गनरों के जो है रौब दिखाकर जितनी आकूत संपत्ति कमाई है, जिस तरीके से कब्जे किए हैं, जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया है, धीरे धीरे अब उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। शुरुआती दौर में नहीं हुआ लेकिन अब सरकार पूरी तरीके से सख्त हो गई है और साथ ही साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसी भी हाल में इस व्यक्ति को बख्शना नहीं है और सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करना है। पूरी तरीके से जो है इसको चारों तरफा घेरने की तैयारी चल रही है। हालांकि गिरफ्तारी के लिए जो टीमें बनाई गई हैं वो अभी भी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पड़ी हुई हैं और लगातार इसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। 25,000 रुपए का इनाम नोएडा पुलिस ने इसके ऊपर कर दिया है, साथ ही कोर्ट में सरेंडर न कर दे, डर सोसाइटी वासियों को भी था और जिला कोर्ट में सरेंडर न कर दे तो उसको भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खुद वहां के जो ACP है उन्होंने उसकी कमान संभाल रखी है, यानी ये कहें कि अब श्रीकांत त्यागी का बचना आज नहीं तो कल श्रीकांत त्यागी पुलिस के कब्जे में आएगा। और साथ ही जो इसकी कुंडली है, जितनी भी इसने अकूत संपत्ति दो नंबर से कमाई है, उसकी धीरे धीरे जो धागे हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। जीएसटी की टीम पहुंची है, वो लेन देन का खाका तैयार करेगी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बघेल में नोएडा विकास प्राधिकरण की टीम पहुंच रही है, जो दुकानों के नियमितीकरण और दुकानों के जो वैध अवैध की चीजें पेपर है वो चेक कर, और अगर वहां अवैध चीजें जो भी पाई गई उस पर बुलडोजर चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो अब कार्रवाइयों का दौर है वो शुरू हो चुका है, कार्रवाइयों में कोई कमी अब इंतजार है तो पुलिस की सफलता का। पुलिस आखिर कब सफल होगी, पुलिस कब अपने इनामी बदमाश को गिरफ्तार करेगी, तो कई ऐसे बड़े सवाल अभी भी बने हुए। सरकार सख्त हुई है लेकिन अभी तक उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जिन अफसरों की लापरवाही की वजह से श्रीकांत त्यागी 4 दिन से फरार है, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है। इतना बड़ा अपराधी पुलिस को चकमा दे रहा है तो उन अधिकारियों से भी सवाल जवाब शासक को करना चाहिए कि आखिर आप कहां थे उस वक्त जब यह घटना हुई, उसके बाद आपने अपने अधीनस्थों से क्यों जानकारी नहीं ली। सिर्फ SO को सस्पेंड कर देना कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, कहीं ना कहीं जो पूरा जिला जो उम्मीद लगाए बैठा है सरकार से उनके लिए एक जो है निराशा वाली बात रहेगी अगर बड़े अफसरों पर कार्यवाही नहीं हुई। नोएडा विकास प्राधिकरण को संपत्ति का पता नहीं था, अवैध दुकानों का पता नहीं था, जिस चीज का आदेश किया ध्वस्तीकरण का, उसके 3 साल के बाद आज कार्यवाही हुई है। नोएडा पुलिस लगातार कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे, गैंगस्टर बहुत पहले लग जानी चाहिए, जो गैंगस्टर कल रात में लगाई गई है उस गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही बहुत पहले हो जानी चाहिए। जिस तरीके से इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे और लगातार मारपीट के सबसे ज्यादा मुकदमे बलवा रंगदारी 307 मारपीट कई ऐसे मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे तो कार्यवाही गैंगस्टर की हो जानी चाहिए लेकिन नहीं करी। तो कहीं ना कहीं सरकार कह लें या फिर पुलिस का संरक्षण कह लें इसको पूरी तरीके से मिला हुआ था, लेकिन अब जब सरकार के कान तक ये बात पहुंच गई है कि हाँ स्थानीय अफसरों ने कार्यवाही नहीं करी तो अब शासन स्तर से इसको इसकी कमान संभाली गई है, वहां से मॉनिटरिंग करी जा रही है और अब इसके ऊपर कार्यवाही जा रही है। किस तरीके से अब शासन स्तर पर आप हमारे साथ बने रहिए। अनूप की ओर रुख करेंगे। अनूप, देखिए हमारे जो दोनों सहयोगी हैं दानिश की बात करें और लोकेश की, किस तरीके से लंगड़ा त्यागी की पूरी कुंडली खंगाल रहे हैं, वो एक भंगेल पहुंच गया तो एक लगातार जिस तरीके से पूरी सारी तरीके से अवैध बुलडोजर जो चल रहा है अवैध संपत्तियों पर उस पर नजर रखे हुए हैं। मामला
अनूप, अगर नोएडा में ही शायद संभल जाता, नोएडा जो पुलिस है वो शायद इनिशिएटिव लेती तो शायद लखनऊ तक ना आता। देखिए बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं जो है जो स्थानीय पुलिस है और जो नोएडा पुलिस है उसकी लापरवाही जो है सामने दिखाई। अनूप मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास अपडेट लेने के लिए, लेकिन इससे पहले नोएडा के भंगेल से हमारे संवाददाता जी, पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ श्रीकांत त्यागी इसी भंगेल गाँव का रहने वाला है। फिलहाल इसकी रिश्तेदारी बताई जाती थी और ये मेरे पीछे जो मार्केट देख रहे हैं आप, ये उसी श्रीकांत त्यागी की है जो कि मार्केट यहाँ पर बसाई गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर वर्षा धर्म काटा है ये भी इसी के जो है इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के तौर पर यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जो यहाँ पर आप दुकानें देख रहे हैं छोटी छोटी, ये तमाम दुकानें श्रीकांत त्यागी की ही हैं। लंबे समय से यहाँ पर त्यागी इन दुकानों को बना करके यहाँ पर उसकी संपत्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर कितनी अकूत संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई थी। हालांकि अभी ये सभी जांच के दायरे में है और अब ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब ये मार्केट बनी हुई थी तो फिर आखिर इस मार्केट की जो कंस्ट्रक्शन है वो टेम्प्रोरी क्यों है, क्योंकि टिन शेड और तमाम जो दुकानें हैं ये आखिर टिन शेड पर क्यों बनी हुई है। यहाँ पर पिछले कितने लंबे समय से लोग काम करते हैं ये दिखाएंगे हम आपको। इस गली के भीतर भी मार्केट है, ये भी जो है वो श्रीकांत त्यागी की है। भीतर तक अगर आप देखें तो ये लगता है कि ये हाल में ही कुछ जो दुकानें हैं वो निर्मित की गई हैं। आप कब से काम करते हैं? हम मिला हुए 5-7 साल हो गए। अच्छा जी, श्रीकांत त्यागी की मार्केट? हाँ, उनके ताया चाचाओं की मार्केट है। रहने वाले तो गाजियाबाद के हैं, फिर यहाँ पर मार्केट क्यों मनाई? वो तो वही जाने से, अब हम तो किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता इस बारे में। किराया देते हैं आप? ऐसा ही है जी, 5-7 हज़ार रुपये जी। तो ये जो मार्केट है वो बनाई गई है, हालांकि अब इस मार्केट पर निगाह जो है वो बन सकती है खासकर नोएडा प्राधिकरण की। और अभी अभी जानकारी ये भी मिली है कि कुछ ही देर में जो श्रीकांत त्यागी है वो सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। तो इन सब इंफॉर्मेशंस को लेकर के अब पुलिस भी सजग है, दूसरी तरफ अथॉरिटी की निगाह भी इस मार्केट की तरफ टेढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ में लोकेश राय, भारत समाचार, नोएडा।